छतरपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हम देख रहे हैं। एकदम से मौसम का मिजाज बदलता हुआ हमने कई सारे जिलों में देखा, और इसी बीच ये शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात बने रहे, ऐसी स्थिति बनी रही। यहाँ पर भी तेज बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और ठंड तो बड़ी बड़ी, साथ ही साथ किसानों की परेशानी भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। तापमान में भी गिरावट आ चुकी है। भोपाल में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश यहां पर शुरू हो गई। मौसम विभाग ने दो दिन का अलर्ट भी जारी किया। यहां पर भी तेज बारिश देखने को मिली। ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी ठंड से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई कुछ दिन पहले नजर आ रही थी, पर फिर से एक बार ठंडक हो रही है। एक बार ठंड ने फिर से दस्तक दी है। बारिश भी यहां पर हुई है और ठंड कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तापमान में भी गिरावट राजधानी में देखने को मिला है। बादल छाए रहे और बारिश यहां पर होती रही। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम का मिजाज बदल चुका है और ठंड का एहसास भी, बहुत ज्यादा ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है। तापमान में गिरावट, बारिश भी तेज आंधी के साथ यहां पर बारिश हुई। कहीं पर लोगों ने मौसम का लुत्फ उठाया तो कहीं लोग ठंड से परेशान होते हुए नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी की तस्वीरें भी अभी मैं देख रही थी कि किस तरह से यहां पर भी खूब बारिश हुई है और बादल छाए रहे। अभी क्या स्थिति बनी है और क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक, क्या इसी तरह दो चार दिन और ऐसा ही मौसम रहने वाला है? हाँ देखिए, बिल्कुल मौसम ने अचानक से आज करवट ली है। अभी तक जिस तरह के पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये चेंज आया है, और दिन में धूप छांव जैसा था और एक गर्मी का माहौल था, लेकिन अभी अचानक से तेज अंधड़ आंधी तूफान चलने लगा है। और उसके बाद यहाँ पर कई मकानों के कई जगह पर टीन शेड भी उड़ने की खबरें हैं, और यहाँ पर काफी तेज आंधी है और बहुत तेज रफ्तार की हवाएं चल रही है। और माना जा रहा है कि ये पूरे मध्य प्रदेश में ही कई जिलों में इस तरह की स्थिति बनी है, और इससे निश्चित ही फसलों को भी नुकसान होने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो चक्रवर्ती सिस्टम बना है, आने वाले दो तीन दिन इसी तरह के और हालात रह सकते हैं, तेज आंधी तूफान के साथ और गरज चमक के साथ कई जगह बारिश भी हो सकती है यहाँ भोपाल में भी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।